स्टूडेंट रिव्यूज के बारे में, तो कॉलेज में एक ही नेगेटिव पॉइंट है, कटऑफ कितनी थी लास्ट ईयर की। तो हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। आज के इस वीडियो में हम आपको IIIT कांचीपुरम के बारे में बताने आ रहे हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं IIIT कांचीपुरम के बारे में और एडमिशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होकर आप क्लियर हो जाएगी आपके इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने IIITs और NITs के ऊपर बहुत सारी वीडियो इससे पहले ही बना रखी है, तो आप वो देख सकते हैं। और भी बहुत सारे कॉलेज भी बना रखे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और इन वीडियोज़ को देखिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IIIT कांचीपुरम 2007 में बनाता है, इसकी रैंकिंग 197 है और ये टॉप कॉलेज तमिलनाडु के अंदर टॉप कॉलेज में इसका नाम आता है। टॉप 10 में नहीं आता मगर टॉप कॉलेजेस में इसका नाम आता है। तमिलनाडु में बहुत सारे कॉलेज है तो उसमें टॉप में आते हैं इनके नाम। और कैंपस की बात करें तो 51.75 एकर्स का बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कैंपस की फ़ोटो। हमने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन तमिलनाडु के ऊपर भी वीडियो बना रखा था, आप वो जाके देख सकते हैं। आई बटन में लिंक दे देंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक होकर आप चेक कर सकते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में। तो अब कोर्सेज की बात करते हैं। कॉलेज के अंदर टोटल 4 कोर्सेज हैं, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होकर इन कोर्सेज के नाम, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। और अब कॉलेज के अंदर बीटेक प्लस एमटेक ड्यूल डिग्री भी है, तो उस कोर्सेज के भी नाम आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। एक तो कंप्यूटर साइंस ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप एमटेक अगर आप करेंगे तो स्पेशलाइजेशन आपकी या तो कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन में होगी या VLSI डिज़ाइन में होगी। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके अंदर आपने 5 ईयर्स का जो एक साल आपका एमटेक का होगा एडवांस, उसके अंदर तो आप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो टोटल 5 ब्रांच होगी हमारी ड्यूल डिग्री की और 4 होगी बीटेक की। तो अब सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। कॉलेज की सीट मैट्रिक्स की कौन सी ब्रांच में कितनी सीट है, तो डिस्प्ले हो रहा होगा आपको। कंप्यूटर साइंस में 50 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 50 है, मैकेनिकल में भी 50 है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी 50, टोटल 200 सीट्स है इसके अंदर। और बीटेक प्लस एमटेक की बात करें तो इसके अंदर कंप्यूटर साइंस में बीटेक की 50 सीट है, मतलब आपको 5 साल लगेगा आपको बीटेक प्लस एमटेक की आपको डिग्री मिलेगी CS के अंदर। टोटल 50 सीट्स है, बाकी जो ब्रांचेस है उसमें 25 सीट्स है। तो टोटल 150 होगी हमारी बीटेक प्लस एमटेक की और 200 होगी हमारी सिर्फ बीटेक की फीस है, सीट है। तो अब हम लोग इनके बारे में बात करते हैं, कट ऑफ कितनी थी लास्ट ईयर की, 2019 की कट ऑफ कितनी रही है इन ब्रांचेस की, तो उसको देख लेते हैं। तो ये जो हम आपको कैटेगरी वाइज, आपको ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज दोनों आपको रैंक दिखाया जाएगा, कट ऑफ दिखाई जाएगी लास्ट ईयर की कितनी रैंक आई थी आपकी। तो आपको अगर इस हिसाब से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं इस साल का, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस का 7 राउंड की कट ऑफ 15,000 गई थी जनरल की, और EWS वालों की 2,300। ये आपको जो EWS OBC SC ST ये कैटेगरी रैंक है, ये आपको कैटेगरी रैंक दे रखी है 7 राउंड की, मतलब ये EWS की 2,336, EWS की 6,251 OBC कैटेगरी रैंक है। तो ये कंप्यूटर साइंस की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की आप देख सकते हैं कि जनरल की 23,000 की थी। अगर आपको 23,000 की करें अराउंड आपकी अगर कट ऑफ आ रही है, सेल रैंक आ रही है आपकी, तो आपका एडमिशन होने के चांस बहुत ज़्यादा है इस कॉलेज के अंदर। और बाकी ब्रांच के आप देख सकते हैं EWS और OBC इन सब के दे रखे हैं SC ST के, तो हर ब्रांच के सामने उसकी कैटेगरी लिखा हुआ है, 7 राउंड की कट ऑफ दे रखी है। और अगर 7 राउंड में भी एडमिशन नहीं होता तो स्पोर्ट राउंड और स्पोर्ट राउंड 2 की भी 2 स्पोर्ट राउंड होते हैं, पहला राउंड और दूसरा राउंड, जो अगर सीट बच जाती है तो उसमें कॉलेज मिलते हैं, मगर कुछ सीट बचती है कुछ कॉलेज के, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो अलग उसकी उसमें ज़्यादा रैंक जाती है कैटेगरी वाइज। और जो इसमें हमने अभी आपको बता रखा था कि जनरल OBC SC ST की, तो उसके अंदर कैटेगरी रैंक नहीं देते, उसमें ऑल इंडिया रैंक देते, तो आप वो देख सकते हैं। अब हम लोगों ने बात कर ली है बीटेक की, अब बात करते हैं बीटेक प्लस एमटेक की कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रही है कौन सी ब्रांच की। तो देख लीजिए आप स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि CS वालों की 23,000 गई थी और 3,600 EWS की गई थी और 9,000 OBC की गई थी। तो अब पहले आपने देखा था सिर्फ बीटेक की, अब बीटेक प्लस एमटेक की है, और इस 7 राउंड की सारी कट ऑफ दे रखी है। स्पेशलाइजेशन इसमें लिखा हुआ है कि EC में कम्युनिकेशन की स्पेशलाइजेशन में और VLSI की, और प्रोडक्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये जनरल EWS OBC और SC ST का दे रखा है। तो आप अपनी कैटेगरी और ब्रांच आप मैच कर सकते हैं
अगर आप एस्टिमेट लगाना चाहते हैं अपनी कि कौन सी आपको इस साल 2020 के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी अगर रैंक कितनी आ रही है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। अब हम लोग कॉलेज की फ़ीस के बारे में बात करते हैं, कॉलेज की फ़ीस कितनी है। तो इसके अंदर स्क्रीन पर हमने आपको डिस्प्ले करवा रखा है कॉलेज की फ़ीस, तो आप देख सकते हैं कि वन टाइम फ़ीस जो कॉलेज में आपको एडमिशन होता था तो आपको 5000 रुपये देना होता है। ये 2019 के हिसाब से फ़ीस स्ट्रक्चर है, कॉलेज की वेबसाइट से ली गई ये फ़ीस स्ट्रक्चर। और सेमेस्टर फ़ीस की बात करें तो 58000 आपको पर सेमेस्टर देना होगा, और मेडिकल की आपको 575 देनी होगी मेडिकल की फ़ीस। टोटल आपके 6475 हो जाता है ग्रैंड टोटल जो आपको दिख रहा है तीनों का मिला जुला के। ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की है ये फ़ीस, फिर उसके बाद से ये आपकी 5000 रुपीज़ हट जाएगी, तो आपकी 60000 के अराउंड आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस जाएगी। ये तो आपकी ट्यूशन फ़ी होगी और कॉलेज की टोटल फ़ी होगी। अब हॉस्टल फ़ीस की बात करते हैं कि हॉस्टल फ़ी कितनी गई है। तो हॉस्टल फ़ी की बात करें तो आप हॉस्टल फ़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हॉस्टल फ़ी 25000 के अराउंड गई है, और ये बाकी इसमें सब कुछ रेंट को एक्सप्लेन कर रखा है वो देख सकते हैं। और अगर आप ये नोट करेंगे तो इधर लिखा हुआ है कि हॉस्टल्स कंपलसरी है बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है हॉस्टल लेना। और ये कॉलेज की वेबसाइट पर आप कॉलेज की वेबसाइट को एक्सप्लोर करके सारी इन्फॉर्मेशन और निकाल सकते हैं। और कॉलेज में अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो बहुत सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल है कॉलेज के अंदर, तो क्योंकि कैंपस में काफ़ी अच्छा है। आप कैंपस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि उधर लिखा हुआ था कि बहुत सारे स्टेडियम दिख रहे थे आपको साफ साफ, तो इसके अंदर बता रखा है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट ग्राउंड, सारे ग्राउंड है इसके अंदर, फुटबॉल, तो आप वो सब देख सकते हैं इसके अंदर और खेल सकते हैं। काफ़ी अच्छा है स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ पे कॉलेज में। और अगर हम लोग अब क्लब्स की बात करें तो कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स है, एक तो टेक क्लब्स है और एक कल्चर क्लब है। टेक क्लब्स जिसके अंदर कोडिंग के हो गए, ईसी के हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए, तो आपको सारे नाम दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, डिज़ाइनर क्लब, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जीरोन जो क्लब है इनका प्रोग्रामिंग का क्लब है कॉलेज के अंदर, और ये सारे क्लब्स के नाम मेंशन है। और कल्चर क्लब में आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज क्लब है, आर्ट क्लब है, फन क्लब है। इसमें बेसिकली कल्चर क्लब्स में आपको एडमिशन लेना जरूरी है, आप टेक क्लब्स में ले सकते हैं अपना अगर रिज्यूम अच्छा आता है आपको। बहुत सारे देखो कॉलेज में एडमिशन होगा, आप क्लब्स में ज़रूर लीजिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा, मेंबर बनिएगा, क्योंकि क्लब्स में काफ़ी कुछ आप सीखने को मिलता है आपको। कुछ टेक्निकल क्लब्स में लोग जाते हैं उनकी स्किल इंक्रीज होती है, और कल्चर क्लब में जाएंगे तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स इंक्रीज़ होगी, मतलब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो निकलेगी, और बहुत सारे फन एक्टिविटीज़ होते हैं। तो कल्चर क्लब में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा, किसी ना किसी कल्चर क्लब में ज़रूर जाइएगा। तो अब हम लोग कॉलेज की फेस्ट की बात करते हैं, तो स्मगदा 2019 ये फेस्ट हुआ था लास्ट ईयर का है। कॉलेज के अंदर एक ही फेस्ट होता है, टेक प्लस कल्चर दोनों क्लब है। तो हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है। तो कॉलेज में 37 कंपनीज ने विजिट किया टोटल, और हाईएस्ट पैकेज का 20 लाख के अराउंड का गया है, 5 to 6 लाख इसका एवरेज पैकेज है, ये लास्ट ईयर की है। और अगर हम लोग बात करें सीएससी की, तो सीएससी 7 to 8 lakh का एवरेज पैकेज है। आप कॉलेज की वेबसाइट भी देख सकते हैं, आपको कोरा पे मिल जाएगा, कोरा पे काफ़ी लोगों ने रिव्यू दे रखा है तब वो देख सकते हैं। और अगर हम लोग पास्ट रिक्रूटर्स की बात करें तो उसकी भी लिस्ट दिखा रखी है हमने आपको स्क्रीन पे, कि ये सारी कंपनीज आ रखी कंपनी के कॉलेज के अंदर। तो कंपनी सभी कॉलेज के अंदर कम आ रही है, मगर जैसे जैसे कंपनी आना स्टार्ट होगी कॉलेज का पैकेज भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सो हम लोग स्टूडेंट रिव्यूज़ की बात करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने क्या रिव्यू दिया है। ये कोरा से हमने ये रिव्यूज़ लिए गए, या कुछ रिव्यूज़ गूगल रिव्यूज़ से भी लिए गए, 90% कोरा से लिए गए। और ये जो रिव्यू आप खुद से चेक कर सकते, क्रॉस वेरीफाई कर सकते कोरा पे जाके, और चेक करते समय जरूर देखिएगा कि कॉलेज की वेबसाइट से ही कॉलेज के स्टूडेंट है वो, और कॉलेज के स्टूडेंट ने आप वोट किया उसी को आप मानिएगा। और 3-4 स्टूडेंट ने जो रिव्यू दिया वही रिव्यू हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला रिव्यू ये है कि लोग कहते हैं इसका इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना रखा है कॉलेज का, हॉस्टल काफ़ी अच्छे बने हैं, जो जहाँ पे हॉस्टल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हॉस्टल। और अगर आप एकेडमिक्स के मामले में देखा जाए तो इनके एकेडमिक्स काफ़ी अच्छी है, हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी अच्छे, फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, IIIT की हर IIIT की आप बात करें तो फैकल्टी काफ़ी अच्छी मिलेगी। और आपको रिसर्च लाइन में आना है तो IIIT बेस्ट होता है, तो इसमें हायर स्टडीज़ के लिए भी आपको बहुत सारे हायर स्टडीज़ में MS करना चाहिए तो आपको रिसर्च पेपर देना होता है, तो इन सब के लिए काफ़ी सही है, तो आप IIIT में ले सकते हैं एडमिशन। इसमें बस नेगेटिव पॉइंट में बस यही बोला है कि अभी फ़िलहाल के लिए इसका एवरेज पैकेज अभी कम है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है इसका। मगर लास्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स से देखा जाए तो पिछले सालों की तो इंक्रीज़ हो रहा है एवरेज पैकेज का,
और जो सेकंड मेन प्रॉब्लम बताते हैं बच्चे की रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े स्ट्रिक्ट है इसके अंदर, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी कॉलेज ओवरऑल अच्छा है, जैसे स्टूडेंट्स रिव्यू दिए है बच्चों ने, तो आप वो देख सकते हैं, एक और अपने जाकर क्रॉस वेरीफाई करवा सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ बता रखा है। और भी अगर आप कॉलेज के बारे में बात करना चाहें तो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू की, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। हमने जेईई मेन के प्रिपरेशन के ऊपर वीडियो बनाई है जहाँ बच्चों ने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर और बताते हैं कि कॉलेज अपने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं वो लोग। हम लोग उनको रोज़ क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए और क्वेश्चन सही से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि आप जेईई मेन अपना क्रैक कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम लोग और कोई वीडियो बनाए किसी भी कॉलेज के ऊपर, किसी भी IIIT NIT या किसी भी इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ।